नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मणिपुर में मौजूदा स्थिति पर चर्चा के लिए शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भाजपा, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भाग लिया। बता दें, मणिपुर में पिछले 50 दिनों से हिंसा का दौर जारी है, जिसे लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने शनिवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। सर्वदलीय बैठक में भाजपा, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता ने भाग लिया। बीजेपी प्रवक्ता और मणिपुर के प्रभारी समित पात्रा ने बताया, इस बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने अपने प्रतिनिधि भेजे थे। सभी ने अपने विषय को बड़े ही सकारात्मक रूप से एक सकारात्मक माहौल में रखा। बैठक से पहले गृह मंत्रालय की ओर से मणिपुर की परिस्थिति और सरकार के उठाए कदमों को लेकर विस्तार से प्रेजेंटेशन दिया गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मणिपुर को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक पर कहा कि मणिपुर को लेकर गृहमंत्री शाह द्वारा आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक महज दिखावा और औपचारिकता भर थी। उन्होंने कहा कि बैठक में मुख्य विपक्षी दल के रूप में हमारे प्रतिनिधि मणिपुर के सबसे वरिष्ठ नेता थे, 3 बार निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में राज्य में सरकार चला चुके ओकराम इबोवी सिंह को मणिपुर के लोगों के दर्द और पीड़ा को व्यक्त करते हुए अपनी बात रखने की अनुमति नहीं दी गई। वो आज की सर्वदलीय बैठक में मणिपुर से एकमात्र नेता थे। ये न सिर्फ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी का बल्कि मणिपुर के लोगों का भी अपमान है, क्योंकि उनके प्रतिनिधि को अपनी बात पूरी तरह से रखने की अनुमति नहीं दी गई। मणिपुर को लेकर सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोवी सिंह ने कहा कि मणिपुर में हिंसा शुरू होने के 50 दिन से ज्यादा समय बाद गृह मंत्रालय ने आज सर्वदलीय बैठक आयोजित की और इसके लिए मुझे कांग्रेस की ओर से भेजा गया। उन्होंने कहा कि मेरे पास अपने विचार साझा करने के लिए मुश्किल से 7-8 मिनट थे। मणिपुर मेरा गृह राज्य है, मैंने अपनी राय व्यक्त करने के लिए अतिरिक्त 5 मिनट का समय मांगा, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ओकराम इबोवी ने कहा कि जब मणिपुर पर मैंने अपने सुझाव देना शुरू किए तो मुझे लगा कि गृहमंत्री सुनना नहीं चाहते थे। कांग्रेस ने मणिपुर को लेकर अपनी मांगे रखी हैं। उसका कहना है कि प्रधानमंत्री मणिपुर पर अपनी चुप्पी तोड़ें और अगर प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करते और ये इम्फाल में होती तो मणिपुर के लोगों को स्पष्ट संदेश जाता कि उनका दर्द और संकट भी राष्ट्रीय पीड़ा का विषय है। 3, मणिपुर में तत्काल सभी मिलिटेंट ग्रुप के पास से हथियार छीने चाहिए। 4, राज्य के मुख्यमंत्री को तुरंत बदला जाना चाहिए। 5, जो भी कार्रवाई हो संविधान के तहत होनी चाहिए। 6, सभी की शिकायतों को सुनकर संवेदनशीलता के साथ आम सहमति बनानी चाहिए। 7, केंद्र सरकार द्वारा दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों को हर समय खुला और सुरक्षित रखकर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। 8, प्रभावित लोगों के लिए राहत, पुनर्वास और आजीविका का पैकेज बिना देरी किए तैयार किया जाना चाहिए। घोषित राहत पैकेज अपर्याप्त है। मणिपुर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद विपक्षी दलों के कई नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के नेतृत्व के बारे में अपनी आपत्तियां उठाई। कांग्रेस ने कहा कि एन बीरेन सिंह के रहते हिंसा प्रभावित मणिपुर में शांति संभव नहीं है और मांग की कि प्रधानमंत्री उन्हें तुरंत बदल दें। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने संकट से निपटने के सीएम के तरीके की आलोचना की और कहा कि उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और पूरे विपक्ष ने बैठक में चिंता जताई कि जब तक वो व्यक्ति प्रभारी रहेगा तब तक शांति बहाल करना संभव नहीं होगा। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने योगेश्वर दत्त पर गलत बयानी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि योगेश्वर दत्त ने गलत जानकारी दे रहे हैं। वहीं साक्षी मलिक ने कहा, हमने किसी का कभी हक नहीं मारा है, हमने ईमानदारी से कुश्ती लड़ी है। उन्होंने योगेश्वर दत्त को महिला विरोधी करार दिया और कहा कि उन्होंने कभी भी महिलाओं के समर्थन में खुलकर सामने नहीं आए। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई बेटियों के न्याय के लिए है, लेकिन साथ ही ये आज के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए है। पहलवान वीरेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने शनिवार को करीब 40 मिनट का एक फेसबुक लाइव किया था और साथ ही पहलवान योगेश्वर दत्त पर पलटवार किया। वहीं बजरंग पूनिया ने कहा कि योगेश्वर दत्त समाज में हमारे खिलाफ जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा करेंगे। ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त और विनेश फोगाट के बीच बयानों के हमले जारी हैं। अब योगेश्वर दत्त ने पहलवान विनेश फोगाट की ओर से लगाए गए आरोपों का जवाब दिया है और उन्हें बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि महिला पहलवानों और उनके माता पिता पर दबाव बनाने के आरोपों पर दत्त ने कहा कि अगर ऐसा था तो उन्हें मीडिया या पुलिस को इस बारे में बताना चाहिए था। योगेश्वर दत्त ने कहा कि उन पर ब्रजभूषण सिंह की चापलूसी का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन उनसे नजदीकी का असली फायदा तो विनेश फोगाट ने ही उठाया है।
बीबीसी से बात करते हुए योगेश्वर दत्त ने कहा कि उन्होंने कमेटी में रहते हुए किसी लड़की या उनके माता पिता पर कोई दबाव नहीं बनाया। बता दें, विनेश फोगाट ने एक ट्वीट कर आरोप लगाया था कि योगेश्वर महिला पहलवानों के चयन के लिए बनी दो कमेटियों में थे, वो महिला पहलवानों और उनके माता पिता पर दबाव बना रहे थे कि वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कुछ ना बोलें। महिला पहलवानों के मुद्दों पर हरियाणा के पानीपत में शनिवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए हैं। कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई है। पुलिस ने धक्का मुक्की कर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को सड़क से हटाया, जिसमें कई आप कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने पहलवानों की मांगों के समर्थन में केंद्रीय मंत्री को काले झंडे दिखाए हैं। बता दें, अनुराग ठाकुर पानीपत में एक रैली को संबोधित करने आए थे। इसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन पहले दिन से मजबूत है और आगे भी मजबूत रहेगा। देश और हरियाणा में 2024 में भाजपा की सरकार ही बनने वाली है। पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक पर कहा कि 15 दलों ने बैठक कर एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला लिया था, लेकिन 15 में से एक भी सदस्य खुलकर अपनी बात नहीं कह पाया। देश के विकास को रोकने के लिए कुछ नेताओं ने यह रंगमंच तैयार किया है, लेकिन देश और प्रदेश की जनता अच्छे से समझती है। जनता किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है और बीजेपी की ही सरकार बनने वाली है। अपनी दो देशों की यात्रा के दूसरे चरण के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री मोदी 24 से 25 जून तक मिस्र की राजकीय यात्रा के लिए काहिरा पहुंचे हैं। इस दौरान मोदी मिस्र की ऐतिहासिक अल हाकिम मस्जिद का दौरा करेंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने पीएम मोदी के अल हाकिम मस्जिद के दौरे के बारे में जानकारी देते हुए बताया, मिस्र में प्रधानमंत्री मोदी 25 जून को अल हाकिम मस्जिद का दौरा करेंगे, जिसे 11वीं शताब्दी में बनाया गया था और दाऊदी बोहरा समुदाय ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। बता दें, पीएम मोदी की ये पहली मिस्र यात्रा है और साल 1997 के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की मिस्र की पहली आधिकारिक यात्रा है। रूस में वागनर समूह के तख्तापलट की कोशिशों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने टेलीग्राम अकाउंट पर लिखा है, जो गलत रास्ता अपनाता है वो अपना विनाश कर लेता है और रूस का कमजोर होना स्वाभाविक है। हालांकि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने रूस के यूक्रेन पर हमला करने को लेकर तंज कसा। जेलेंस्की ने लिखा कि रूस अपनी सेना और भाड़े के सैनिकों को जितने ज़्यादा दिन यूक्रेन में रखेगा, उतने ही वो अपने लिए उथल पुथल और परेशानी पैदा करेगा। इतनी उथल पुथल मच गई है, इसके पीछे कोई झूठ नहीं छुप सकता, ये सब एक ही व्यक्ति के कारण हो रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि वाग्नर समूह ने रूस की पीठ में छुरा घोंपा है और हम आंतरिक देशद्रोह से अपने देश की रक्षा करेंगे। हम यूक्रेन से संघर्षरत हैं और इस दौरान एवगेनी प्रोगोजिन का तख्तापलट का प्रयास पीठ में छुरा घोंपना है। उन्होंने कहा कि कुछ रूसी लोगों को आपराधिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए बरगलाया गया है। उन्होंने अपने संबोधन में वाग्नर ग्रुप के बॉस एवगेनी प्रोगोजिन का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोगों की ऊंची महत्वाकांक्षाओं ने बड़ी गद्दारी का काम किया है। रूस के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि जो लोग रूसी समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें जरूर दंड दिया जाएगा। पुतिन ने रूस की हिफाजत का वचन देते हुए कहा कि इस संकट से निपटने के लिए सभी जरूरी आदेश जारी कर दिए गए हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन द्वारा वाग्नर समूह के सैनिकों द्वारा सशस्त्र विद्रोह को कुचलने की कसम खाने के कुछ ही क्षण बाद समूह ने कथित तौर पर कहा है कि रूसी राष्ट्रपति ने अपने भाषण के दौरान गलत विकल्प चुना और देश को जल्द ही एक नया राष्ट्रपति मिलेगा। उन्होंने कहा कि मातृभूमि से गद्दारी की बात करके राष्ट्रपति ने बड़ी गलती की है। हम देशभक्त हैं, हम लड़ते रहे हैं और हम अब भी लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने देश को भ्रष्टाचार, झूठ और नौकरशाही में फंसे रहना नहीं देना चाहते हैं। बता दें, वाग्नर समूह चीफ एवगेनी प्रोगोजिन के नेतृत्व में भाड़े के सैनिकों ने सैन्य नेतृत्व को हटाने के अपने प्रयास के तहत दो रूसी शहरों पर नियंत्रण का दावा किया है। वाग्नर ने दावा किया कि समूह ने 3 रूसी हेलीकॉप्टरों को मार गिराया है और नेशनल गार्ड से थोड़ा प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। रूस में जिस वाग्नर ग्रुप पर तख्ता पलटने की कोशिश का आरोप लगा है, हाल ही में उस पर यूक्रेन में भी वहां के राष्ट्रपति जेलेंस्की की हत्या की कोशिश और यूक्रेन की तख्ता पलट का आरोप लगा था। यानी वाग्नर ग्रुप हाल तक पुतिन के लिए काम करता था। इस साल की शुरुआत में कहा गया था कि यूक्रेन में वाग्नर समूह के लिए लड़ रहे लड़ाकों में 80% जेलों से भर्ती किए गए हैं। यूक्रेनी सैनिकों से बखमूत शहर का नियंत्रण छीने में वाग्नर समूह के लड़ाकों की बड़ी भूमिका रही थी। ये लड़ाई लंबी चली थी, इस तरह की रिपोर्ट पश्चिमी मीडिया ने दी थी।
सारे मामले में लोचा यह है कि टाइम्स पत्रिका समेत सभी पश्चिमी मीडिया ने उस समय जिस ओलिगार्च एवगेनी प्रोगोजिन को राष्ट्रपति पुतिन का निकट सहयोगी बताया था, उसी प्रोगोजिन को रूसी राष्ट्रपति ने इस तख्तापलट का खलनायक बताया है। वाग्नर के सैनिक अभी भी रूस की तमाम बैरकों में रह रहे हैं और पुतिन के निर्देश पर वो कार्रवाई को अंजाम देते हैं, लेकिन वाग्नर समूह के चीफ से पुतिन का अब 36 का आंकड़ा हो गया है और उस पर अब तख्तापलट का आरोप है। अब तक की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।